व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो आज आपका भाई जो है वो प्रोडक्ट फ्रॉग भी करने वाला है। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इटसेल्फ। जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैडम हमारे सीनियर, उन्होंने मुझे ये अपनी परफ्यूम दी कि यार इसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी। सो इन द लो बजट यार हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे करता है आपका भाई, क्योंकि इससे पहले यार मैंने इंस्टाग्राम पे जो है एक परफ्यूम की फोटोग्राफी की थी, वो बहुत सी पसंद आई थी मैडम को, तो उन्होंने मुझे अपनी परफ्यूम दी है कि आप इसकी करके लाओ। सो लो बजट के अंदर आपका भाई यूज़ करें 60। अब 60 बहुत से लोगों को शायद लो बजट ना लगता हो, बट बहुत पुराना हो चुका है 60, बट फिट है, फुल फ्रेम कैमरा और साथ आपका भाई बहुत ही पिनी केक लेंस 50mm पे 1.8 यूज़ कर रहा है और बेसिक एपीना की 582 फ्लैश यूज़ कर रहा है। सो कुछ सेटिंग की बात कर लेंगे, बट जो सेटअप है कि आपका वही इसकी फोटोग्राफी तो लो बजट पर कैसे करेगा। सेटअप से स्टार्ट करने वाला है, बट यार ये सेटअप बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरह फोटोग्राफी की तो भाई तो बड़ा घर हो जाना है। सो फोटोग्राफी के लिए आपके भाई ने थोड़ी सी चीज़ें लाई हुई हैं बाहर से, यानी कि प्लांट्स ही हैं जो आपको नॉर्मली कहीं से भी मिल सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी आप तोड़ के ला सकते हो यार किसी भी घर से। सो दीज आर द मेन प्लांट्स, भाई कहीं से भी तोड़ के ला सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स को आप धो लें यार, क्योंकि उससे ये फ़ायदा कि जो डस्ट वगैरह है वो आपको बाद में फोटोशॉप में रिमूव नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक अच्छी नेचुरल लुक मिलेगी। दिस इज़ द फर्स्ट सेटअप जो आपके भाई ने प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए किया हुआ है। सो भाई हमने परफ्यूम को जो है वो इस प्लांट के ऊपर जो है ना प्लेस कर लिया हुआ है, और इसको होल्ड करने के लिए यार भाई ये आपकी स्केल यूज़ किया पीछे, और जो RGB लाइट है यार ये RGB मैंने इसमें सिंगल वाइट लाइट यूज़ कर रहा हूँ फोटोग्राफी के लिए, जो बैकेंड पे इस पर लगी, और फोटोग्राफी के रिजल्ट में आपको 2 मिनट बताता हूँ इस कंसेप्ट का। तो दिस इज़ आवर प्लेसमेंट जो मैंने की हुई अपनी फोटोग्राफी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार वही याद रखनी है कि जब आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करें या कोई भी फोटोग्राफी कर रहे हो, वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए। सो इसलिए जब भी आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो अपने हाथ पे ग्लव्स पहन लें, अगर ग्लव्स अवेलेबल नहीं है तो यार एक कपड़ा रख लें जिससे आप अपने प्रोडक्ट को साफ़ करते रहें, ताकि उसके ऊपर कोई भी स्क्रेचेज या आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो नज़र ना आए। सो ये बहुत टाइम होता है कि आपके जो वो फोटो प्रोडक्शन में डालते हैं कि फोटोशॉप में या लाइट रूम में, तो वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट नज़र आ रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो जो सेटिंग आपका भाई यूज़ कर रहा है यार वो ये है कि मैनुअल मोड है, 200 आपकी शटर स्पीड है, f1.8 है, बट मैं कहूँगा f2.2 पे कर लें ना, ये 100 पर ही है। और जो फ्लैश लाइट है जो आपका भाई फ्लैश लाइट यूज़ कर रहा है वो 1/16 पे यूज़ करें। तो बहुत से लोगों को यार देखने में ये सिंपल लग रहा होगा, बट अगर आप थोड़े से कंसेप्ट हो कि यार आपने फोटोग्राफी कैसे करनी है। सो यहाँ पर आपका भाई जो है वो इसके लाइन के थ्रू इसकी फोटोग्राफी करने वाला है, जो देखने में बाद में बहुत ज़्यादा ऑसम लगेगी। सो रिजल्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ एक क्लिक लेकर। सो जो हमारा सेकंड कंसेप्ट है यार वो पहले से भी ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर चाहिए होगा, उसके अर्द गिर्द आपने इस तरह की कुछ प्लेसमेंट करनी है जिससे आप परफ्यूम थोड़ी सी नाइस लुक लगे। ये सारे लीव्स आपको भाई कहीं ना कहीं से पौधे आपको देखने में नज़र आ रहे होंगे, वो मिल जाएंगे। तो दिस इज़ अ कंसेप्ट, बट बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा, बट इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी ऐड करनी है, उसके बाद ये आपको बहुत ज़्यादा कूल लगे एंड द फाइनल रिजल्ट उससे भी ज़्यादा आपको कूल लगेगा। सो वीडियो को भी देखते रहोगे, थोड़ी देर बाद स्किप करना। सो आपका भाई जो यूज़ करने वाला है यार वो शॉवर यूज़ करने वाला स्प्राइट का, स्प्राइट नहीं इसके अंदर पानी है भैया, स्प्राइट यूज़ करेगा। सो ये यूज़ करने वाला है, तो अपने स्प्राइट को यार आप जिस तरह इसको प्लेस करें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, एंड देन कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हुए कि यार साफ़ हो, और आपका जो यहाँ पर आपकी वर्डिंग है इस परफ्यूम की डॉल्सिन का बाना लाइट ब्लू या वार्निंग प्रोडक्ट का तो बताया ही नहीं मैंने आपको यार, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा हो और वहाँ पे आपकी फोकस एक्यूरेट हो। सो देन इसका क्लिक करें। ओके एवरीवन, आप सेटिंग की बात करता हूँ। सेटिंग सारी हुई है यार, 1/200 f2.8 ISO 100 वही सेम है, बट यहाँ पे मैं टेम्परेचर की बात करूँ यार कि आपको भाई जो टेम्परेचर यूज़ कर रहा है वो 4500 केल्विन है, ठीक है ना। तो मे भी आपके रूम में डिफरेंट टेम्परेचर हो, आपको उसके हिसाब से सेट करना हो, पहले सेटिंग बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। एंड जो पिक्चर प्रोफाइल है वो आपके भाई ने बनाया हुआ भाई, ठीक है ना। तो ये एक मैंने पिक्चर प्रोफाइल खुद बनाया हुआ, उसके अंदर जो कंट्रास्ट वगैरह वो --1 पर जा रहा हूँ, 0 पर वैसे आप सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपको नहीं आइडिया यार ये क्या है, तो आप स्टैंडर्ड जो फाइल यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी इतनी खास सेटिंग नहीं। एंड इस दफ़ा एक चीज़ मैं ऐड करूँ यार कि मैं पहले लाइट जो था 1/16 पर यूज़ कर रहा था, अब मैं जो है वो 1/32 पर यूज़ करूँगा। वो इस वजह से कि लैब में सब्जेक्ट के ज़्यादा करीब हूँ, अगर मैं लाइट ज़्यादा लगाऊंगा तो जो पानी के ड्रॉप्स हैं उनका टेक्सचर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो ओवर एक्सपोज लगेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी लाइट कम कर रहा हूँ। एंड हमेशा याद रखें यार कि लाइट टॉन्स आपने कलर सेट करनी है। सो दिस इज़ माई लास्ट फ्रेम है, ये एक बॉक्स है जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी में बहुत उसके मेरा दोस्त यूज़ कर रहा था, मैंने उससे लाया हुआ है। सो ये प्लेसमेंट एक बड़ा पत्ता जो है यार, उस लीव का मुझे नाम नहीं पता, बहुत से लोगों को नॉर्मली कहीं पे नजर आ जाता है। सो ये लीव है, उसके अंदर मैंने प्लेसमेंट की है। ये थोड़ा सा बजट से आउट हो सकता है, लेकिन मेरे बजट से आउट इसलिए नहीं है, मैं अपने दोस्त से लेके आ गया फ्री में, ठीक है ना, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करके इसको वापस देते हैं। तो देश में आकर भाई ने प्लेस की और जल्दी जल्दी से भाई ने और भी बहुत साइड हैं वो करने, लेकिन मैं यहाँ तक इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है और कब का हो चुका हुआ। सो एक क्लिक लेते हैं और यहाँ पर जो लाइटिंग कंसेप्ट है वो बिल्कुल हो रहा है, ठीक है ना, आपने लाइटिंग और भी ज़्यादा कम कर लेनी है, 1/28 पर चला जाना, तो मैं कहूँगा बेस्ट ऑलरेडी लाइटिंग अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट वीडियो जो आपके भाई ने शूट की हुई है। लो बजट के अंदर बहुत सी चीज़ें बाहर स्ट्रीट से तोड़ के लाई हैं सारे पौधे, ठीक है ना, वहाँ से, और चार्ट पेपर 2 लिए हैं, ब्लैक एंड वाइट उसके ऊपर फोटोग्राफी की है, नियॉन साइन यूज़ किया पीछे, और भी बहुत से आइडिया हैं जो नेक्स्ट फोटोग्राफी में करेंगे। बट दिस इज़ द टोटल आइडिया कि यार आप इस आइडिया से फोटोग्राफी कर सकते हैं। सो आई होप गाइस ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद आई स्मैश द लाइक बटन एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।